जताए उन सभी का आभार जिन्होंने जनता कर्फ्यू को सपोर्ट किया, साथ ही उनका भी आभार जिन्होंने इस दौरान अपनी सेवाएं दी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सरहदी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया परिवार के साथ घंटी बजाते हुए। और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि 5 बजे सभी घर से बाहर निकले, बालकनी में आए और इस दौरान तालियां बजाएं, घंटी बजाएं, ताकि उन लोगों का हौसला बढ़ा सके जो इस आपदा की घड़ी में हर किसी की जिंदगी से लड़ रहा है, बिना ये सोचे कि उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, हम बात कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ की, हर वो मेडिकल का एक एक कर्मचारी जो इस वक्त आपदा की घड़ी में डटा हुआ है, सफाई कर्मचारी और हर वो शख्स जो अपनी अलग अलग तरीके से भागीदारी निभा रहा है। और इनमें आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण वो लोग जो या तो इलाज कर रहे हैं या फिर सरकार की अपील को मानते हुए घर के अंदर रुके हुए हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। ये देखिए डॉक्टर सतीश पूनिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने कल ये जुड़े थे ऑडियो ब्रिज के जरिए तमाम कार्यकर्ताओं से, और कार्यकर्ताओं के अलावा तमाम पदाधिकारियों को आह्वान किया था कि आपको इस तरीके से थाली बजानी है, घंटी बजानी है, शंख बजाना है, यानी कि ध्वनि जो है वो करनी है। तो ध्वनि के जरिए इन्होंने खास तौर पर यहाँ घंटी बजाई, और एक तस्वीर ऐसी है जो इनकी माँ की तस्वीर है। आप देखिए कि इनकी बुजुर्ग माँ जो है वो खुद घंटी यहाँ पर बजा रही है। ये तस्वीर सबसे शानदार तस्वीर है, यही तस्वीर है जो कि बयां करती है इस भारत देश की संस्कृति को। यही भारत देश की संस्कृति है जो सबसे ज्यादा खूबियां रखती है, कहीं भी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। सतीश पूनिया साहब से हम बातचीत करेंगे। पूनिया साहब, यहां पर आज तस्वीर परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिले आप, और आप घंटी भी बजाइए। निश्चित रूप से वैश्विक महामारी से भारत अछूता नहीं है, लेकिन ये दृश्य है कि देश का प्रधानमंत्री एक आह्वान करता है, और इस घंटी बजाने की ये कृतज्ञता है तमाम उन लोगों के प्रति जो इस संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो चाहे सफाई कर्मी हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्सिंग कर्मी हों, चाहे जिस किस्म से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनके प्रति। बिल्कुल, वापस हम आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी